हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं ठीक होंगे। दोस्तों, आपके इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये उसको इस सीरीज का चौथा वीडियो है। जो दोस्त बाकी के 3 वीडियो ना देखे हों तो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज आर्या और आप देख रहे हैं डिप्लोमा स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है कॉस एक्स अपान में 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। ओके, इतना दिया हुआ है, हमें लगाना है आंशिक भिन्न से। ओके, तो देखिए क्या है कि नीचे हमें साइन दिया है, ऊपर कॉस दिया है। तो क्या करना है कि हमें साइन को टी मान लेना है, कॉस आ जाएगा ओपन करने पे। ओके, तो हम साइन एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं। अब इसका अवकलन करते हैं, क्योंकि मानने के बाद अवकलन किया जाता है। तो यहाँ साइन का अवकलन कॉस एक्स और एक्स का डी एक्स बराबर डी टी। फिर डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो डी टी अपान में कॉस एक्स आ जाता है। फिर इसे पुट करते हैं हम जो माने थे, तो यहाँ हम साइन एक्स को टी माने थे, प्लस में यहाँ पे साइन टी हो गया और फिर यहाँ टी हो जाएगा, मतलब 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, ऊपर कॉस एक्स ही है। फिर डी एक्स के स्थान पे हमें कितना रख देना है, डी टी अपॉन कॉस एक्स, डी टी अपॉन कॉस एक्स हो गया। तो कॉस से कॉस कैंसिल, हमारा बचा क्या, 1 अपान में 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इंटू डी टी। अब करते हैं इसको आंशिक भिन्नों में लिखते हैं, इसको आंशिक भिन्नों में लिखने पर, यहाँ पर लिख देंगे आंशिक भिन्नों में लिखने पर। ओके, देखो आंशिक भिन्न में लिखने कैसे हैं। दोस्तों आंशिक भिन्न में लिखने के लिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए कि ना तो अंदर स्क्वायर है ना तो बाहर स्क्वायर है। तो हम ए अपान में इतना ले लेंगे, बी अपान में इतना ले लेंगे। अगर ये चीज़ इतना ना होके कुछ और दिया होता, जैसे कि आपको समझाना चाहूँगा, अगर या वहाँ पर दिया होता 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू 2 प्लस में टी, इतना दिया होता, तो हम जानते क्या मानते हैं, यहाँ पर मानते हैं ax प्लस में b 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि ये अंदर स्क्वायर, जब अंदर स्क्वायर रहेगा तो ax प्लस में बी, और प्लस में इसके लिए हम सी अपान में इतना ले लेते हैं। ओके, कब लेंगे इस तरह, जब इसको अंदर स्क्वायर रहेगा। अब क्यूब रहता तो यहाँ स्क्वायर लेते हैं, यहाँ ऐसे लेते हैं, प्लस में सी लेते हैं अगर क्यूब रहता तो, अगर 4 रहता तो इसी प्रकार से हम बढ़ाते जाते हैं। अब देखिए, अगर बात आती है जब बाहर स्क्वायर हो, 1 प्लस डी का होल स्क्वायर, ओके, इतना दिया हो, तो देखिए क्या मानेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे दोस्तों ए अपान में 1 प्लस टी और प्लस में बी अपान में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, इस प्रकार से मान लेते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मानते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल है, तो हम सिंपल तरीके से मान लेंगे, एक में हम ले लेंगे ए और एक के नीचे ले लेंगे, एक ऊपर ले लेंगे बी, इतना हो गया। फिर क्या करते हैं, उसको एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, नीचे एलसीएम हमारा आ जाएगा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, जो कि हमारा नीचे यहाँ पे है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो वो देखो यहाँ बचेगा कितना, 1 इज़ इक्वल टू कितना बचेगा, 2, इधर बचेगा हमारा 2 प्लस टी इंटू ए प्लस बी 1 प्लस टी प्लस बी 1 प्लस टी, इतना हो गया। अब देखो ये हमारा हो गया मेन चीज़, यहाँ पे हमारा समीकरण, अगर इसको कुछ मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, तो इसमें टी इक्वल टू हम 2 रखते हैं, माइनस 2 रखते हैं। क्या करना है आपको, ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें से कोई एक 0 करना है, तो टी इक्वल टू और माइनस 2 रखते हैं यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा बी, तो बी का मान निकल आएगा। तो उसी प्रकार हम टी इक्वल टू माइनस 2 रखते हैं, देखिए टी इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे इसमें, तो यहाँ 1 हो गया, 2 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ, 2 माइनस 2 इंटू ए प्लस में बी 1 माइनस 2, क्योंकि यहाँ टी था, टी के साथ माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, फिर यहाँ कितना बचा, -1, -1 से गुणा करेंगे बी में, तो -b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू -1, इतना निकल कर आया। अब फिर क्या करते हैं कि हम देखिए, अब ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब इसको 0 कर देंगे, क्योंकि इसको 0 करने के बाद बी निकल का है। अब बी को 0 करने के लिए हम बी को 0 करेंगे तो ए निकल का आएगा। अब इसको 0 करने के लिए क्या रखेंगे, टी बराबर -1 रखेंगे, तो यहाँ टी इक्वल टू -1 रखने पर देखिए, तो यहाँ कितना बचा, 1, यहाँ हो गया 2 माइनस 1 प्लस ए बी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 वो होती है 0, फिर यहाँ 2 माइनस 1 मतलब 1 इक्वल टू ए इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा, 1 का गुणा होगा ए में, तो ए बचेगा, ए 1 का गुणा हो, फिर ए बराबर 1 हो जाएगा, मतलब ए और बी के वैल्यू निकल आया। अब देखो जब वैल्यू निकाल लेने के बाद क्या करना है कि हमें फिर इसी समीकरण में पुट कर देना है, इसी में उसके बाद समाकलन करना है। देखो यहाँ पे हम उसी समीकरण को हम दोबारा लिखे हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद ए के स्थान पे कितना निकल कर आया था, 1, ए का मान 1 निकल कर आया था, 1 प्लस टी। फिर देखिए यहाँ पे बी का मान कितना है, -1 निकल कर आया था, नीचे कितना है, 2 प्लस टी। अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी इक्वल टू लॉग लॉग 1 प्लस टी हो जाएगा, यहाँ -1 दोबारा हो जाएगा, फिर यहाँ पे है 2 प्लस टी, तो ये जगह लॉग 2 प्लस टी प्लस फिर सी। अब देखिए यहाँ पे टी का वैल्यू, जो हम टी माने थे, टी बराबर साइन एक्स माने थे, तो टी का मान रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा समाकलन 1 / (1 + x - x²) - (x³) (dx). अब देखो क्या करते हैं कि इसमें हमें 1 कॉमन ले लेते हैं, दोनों पद में 1 कॉमन लेते हैं तो बचेगा अंदर कितना 1 + x, यहाँ कॉमन लेते हैं -x², क्योंकि हम इसी तरह बना इसी के तरीके से बनाना है वहाँ पे भी, जैसे जितना यहाँ पे है उतना वहाँ पे बनाना है, तो यहाँ x² कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 1 + x³ - x 1 + x बचा यहाँ पे। फिर देखिए क्या हो जाएगा कि ये जब ये दोनों सेम सेम है तो इसको यहाँ भी लिख लेंगे, फिर 1 - x² ले लेंगे, इतना हो गया। अब क्या करते हैं इसको आंशिक भिन्नों में लिखने पर, अब देखो आंशिक भिन्नों कैसे लिखेंगे दोस्तों, पीछे आपको बताया कि जब हमारा बाहर स्क्वायर रहेगा तो देखो कैसे मानते हैं, एक बार हम यहाँ 1 करके मानते हैं फिर स्क्वायर ले लेते हैं बी में, तो ए में हम लेते हैं ए अपान 1 + x, यहाँ पे स्क्वायर है 1 + x + बी अपान 1 + x², अगर हमारा क्यूब होता तो यहाँ सी अपान 1 + x³ लेते हैं, ओके, लेकिन क्यूब नहीं है तो वो स्क्वायर है तो यहाँ तक हम बंद कर देंगे उसके बाद। और देखिए जो दूसरा बचा हमारा सी अपान में 1 + 1 - x लिए, ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं इनका, एलसीएम लेने के बाद हमारा एलसीएम यही आएगा जो हमारा पहले था, यहाँ पे x + 1² - 1 - x, ओके। अब देखो क्या है कि यहाँ पे इतने से गुणा नहीं होगा, मतलब इसे एलसीएम में इसने भाग दे देंगे तो मतलब कितने से गुणा होगा, 1 + x - 1 - x से इसमें गुणा हो जाएगा, और इसमें कितने से गुणा होगा सिर्फ इतने से, क्योंकि हमारा यहाँ स्क्वायर है, ओके स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना तो बी इंटू 1 - x + c। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 - x है, 1 - x से 1 - x कैंसिल, बचेगा कितना 1 + x², तो 1 + x² से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो आपको आता ही होगा पहले से। देखिए अब क्या हुआ कि नीचे से सब सेम थे तो कैंसिल हो गया दोनों, बचेगा क्या 1 = a 1 + x - 1 - x + b 1 - x + c 1 + x² इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि जीरो करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है ए बी सी का, तो x = 1 रखते हैं, x = 1 रखेंगे तो हमारा ये जीरो हो जाएगा, तो मतलब ए जीरो हो गया और ये जीरो होगा, बचेगा हमारा सी, ओके, तो सी का वैल्यू निकल आएगा, तो x = 1 रखते हैं, तो यहाँ 1 है ही, फिर यहाँ पे 1 a, फिर 1 + 1 क्योंकि x के स्थान पे 1 हो जाएगा, फिर 1 - 1 + b 1 - 1 + c 1 + 1² अब देखिए ये जीरो और ये जीरो, तो 0 + 0 यहाँ कितना बचा 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 सी हो गया, फिर = 1 है तो सी बराबर 1/4 हो जाएगा, सी का वैल्यू यहाँ निकला है 1/4, ओके। अब क्या करते हैं कि हम दूसरा मान निकालते हैं, तो x = -1 रखते हैं, x = जब -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बचेगा बी का वैल्यू निकल आएगा, ओके, तो x = -1 रखते हैं। अब देखिए 1 = a 1 - 1 क्योंकि यहाँ पे -1 रखना है तो -1 हो गया, फिर 1 + यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, फिर प्लस में बी 1 यहाँ माइनस था तो देखिए प्लस हो गया, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया कि -1 रख रहे हैं, प्लस में सी 1 - 1² ओके। अब ये 0 हो गया और फिर यहाँ कितना बचा 2, तो 2b हो गया और फिर ये 0 हो गया, तो ये 0 तो 2b = 1 तो b बराबर 1/2, ओके, b बराबर 1/2 निकल गया। अब देखिए अब कोई भी मान रखूँगा तो हमारा 0 नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा 0 होगा तो एक पद 0 हो पाएगा, ओके, क्योंकि दो ही मान रखने के बाद हमारा 0 हो सकता था, इसके बाद 0 नहीं हो पाएगा, तब क्या करते हैं हम x = 0 मान लेते हैं, ओके, कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ 0 मान के चलते हैं। देखो अब क्या करते हैं x = 0 रखने पर, ओके, x = 0 रखते हैं तो हो क्या जाएगा कि 1 = a + 1 + 0 a * 1 + 0 ए मतलब 1 - 0 यहाँ पे हो जाएगा क्या बी 1 - 0 प्लस में सी 1 + 0² अब देखिए यहाँ पे 0 कोई पद नहीं हो रहा, कोई पद 0 नहीं है, यहाँ 1 बचा तो यहाँ हो गया, यहाँ 1 बचा यहाँ बी हो गया, यहाँ 1 बचा तो यहाँ सी हो गया, इतना a + b + c = 1 है। जब हमें b की भी वैल्यू मालूम हो सी की वैल्यू मालूम, बी के वैल्यू हमारा 1/2 है, सी के वैल्यू 1/4 है, तो दोनों का वैल्यू पुट करके ए का वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों का वैल्यू पुट किए तो यहाँ निकल के आ गया हमारा, तो देखिए यहाँ पे हम रखेंगे 1/2, यहाँ रखेंगे 1/4, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ a प्लस में, तो यहाँ देखो यहाँ गलती हो गया तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 2 + 1 क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 से इसमें गुणा होगा, प्लस में 1 ये हो जाएगा, ओके, इतना हो गया 2 + 1 तो मतलब यहाँ 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 है तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 3 होगा यहाँ पे, ओके, 4 - 3 होगा तो बचेगा कितना 1/4, तो ये दोस्तों हो जाएगा 1/4, यहाँ पे गलती हो गया है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ भी हमारा एक स्थान पे 3/4 था तो वहाँ पे हमारा 1/4 रहेगा बस, ओके, तो निकल के आया हमारा इसका वैल्यू
फिर क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकल आया तो अब रखते हैं इसमें, पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा, सबको समाकलन ले लेंगे जो माने थे। समाकलन लेने के बाद हमारा एक वैल्यू रखते हैं, ए बटे चार इंटू वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस बी के नीचे है हमारा कितना, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब बी का वैल्यू ए बटे दो निकल गया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इतना हो गया। फिर देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बटे चार सी का वैल्यू एक बटे चार है, फिर वन माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक बटे चार बाहर हो जाएगा हमारा, फिर अब बचेगा कितना, वन अपॉन वन प्लस एक्स बचेगा। तो ये कितने के मान होता है, लॉग वन प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा वन अपॉन एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है, वैसे ही वन अपॉन वन प्लस एक्स का समाकलन लॉग वन प्लस एक्स हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमारा वन अपॉन टू है इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर है नीचे। देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, नीचे है, तो इसको ऊपर लिखे जाएंगे एक्स पावर माइनस दो हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा कि हमारा एक बटे चार इंटू वन माइनस एक्स। ओके देखिए यहाँ पे वन अपॉन वन माइनस एक्स, एक बटे चार तो बाहर हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स बचेगा, तो वन वन अपॉन वन माइनस एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग वन माइनस एक्स हो जाएगा, लॉग वन माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे माइनस में एक्स दिया हुआ है, तो क्या करना है हमें, नीचे इसका नीचे अवकलन करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा होता है अवकलन में दोबारा अवकलन करते हैं, तो उसी प्रकार समाकलन में भी जब वो एक्स ना होकर कुछ और है तो नीचे दोबारा उसका अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पे हमारा वन का जीरो एक्स का माइनस वन हो जाएगा। ओके अब देखिए यहाँ पे एक बटे चार है, फिर लॉग एक्स तो हो ही गया इसका, फिर यहाँ पे कितना बचा कि इसको पूरा अपने मन में एक्स मान लेते हैं, एक्स पावर एन, एन का मान माइनस दो यहाँ पे, तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता था कि एक्स पावर एन माइनस एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, तो एन माइनस दो प्लस एक और फिर यहाँ पे एन प्लस एक। ओके यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये जो माइनस है तो इसको माइनस एक बटे चार कर देगा और लॉग वन माइनस एक्स प्लस में सी। ओके यहाँ एक बटे चार लॉग वन प्लस एक्स माइनस में एक बटे दो, यहाँ देखिए कितना बचा, माइनस में एक बचा, जो हमारा यहाँ प्लस था उसको माइनस कर दिया। ऊपर कितना बचेगा, माइनस एक बचेगा, जो हमारा ऊपर था वो नीचे आ गया, हमारे यहाँ वन जो था ऊपर वो नीचे आ गया, फिर माइनस एक बटे चार लॉग वन माइनस एक्स प्लस में सी। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल भी है, बस ये थोड़ा है कि लंबी है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर अपान में वन माइनस एक्स इंटू थ्री एक्स माइनस वन इंटू थ्री एक्स माइनस में टू, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें सब सिंपल से दिए हुए, ना तो अंदर स्क्वायर ना तो बाहर स्क्वायर है, तो इसको ए बी सी मान लेंगे हम, डायरेक्टली ए बी सी मान लिया। ए बी सी मानने के बाद क्या करते हैं, इसको हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद देखिए ये है तो इसको कट जाएगा, तीन दोनों से गुड़ा होगा इसमें बी में, बी के नीचे इतना है तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, बचेगा इन दोनों से गुड़ा होगा इसमें, सी के नीचे ये है तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों से गुड़ा हो जाएगा इसमें। ओके अब हमारे नीचे से तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल होने के बाद देखो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर इज्कवल टू वन ए इंटू थ्री एक्स माइनस में वन इंटू थ्री एक्स माइनस में टू प्लस बी एक्स माइनस वन थ्री एक्स माइनस में टू प्लस सी एक्स माइनस में वन इंटू थ्री एक्स माइनस में वन, इतना बचा। ओके अब देखिए हमें जीरो करना स्टार्ट करते हैं, तो एक्स इज्कवल टू क्या रखेंगे, वन, एक्स इज्कवल टू वन रखते, तो यहाँ भी एक्स है तो एक्स के स्थान पे वन। अब देखिए यहाँ पे ए, फिर यहाँ थ्री ए के स्थान पे, एक्स के स्थान पे ए वन हो गया, फिर यहाँ पे वन हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी वन हो जाएगा और यहाँ भी वन हो जाएगा, फिर देखा जाए तो यहाँ भी वन और यहाँ पे भी वन, तो हल करने पे यहाँ से तीन माइनस एक मतलब दो और यहाँ तीन माइनस दो तो कितना हो गया, एक बचेगा, तो यहाँ दो और एक बचेगा कितना, दो। और फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो वन माइनस वन तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये वन माइनस वन ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ बचा दोस्तों कितना, थ्री माइनस में वन और थ्री माइनस में टू, तो देखा जाए तो ये हल करने के बाद ये टू ए आ जाएगा, टू ए अगर ए का वैल्यू निकाल लें तो वन अपॉन में टू हो जाएगा। अब एक्स बराबर देखो, एक्स बराबर क्या रखते हैं, एक बटे तीन रखने पर जीरो हो जाएगा और कोई शर्वी रखने पर जीरो नहीं होगा, तो एक बराबर एक्स बराबर एक बटे तीन रखते हैं। अब यहाँ पे एक्स है, एक्स के स्थान पर एक बटे तीन का स्क्वायर ए इंटू थ्री एक्स के स्थान पर एक बटे तीन, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ पे एक बटे तीन, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक बटे तीन, और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक बटे तीन, और यहाँ भी एक्स है तो एक बटे तीन, यहाँ भी एक्स है तो थ्री एक्स थ्री वन अपॉन थ्री माइनस में वन, इतना हो गया। ओके अब हल करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, थ्री अपॉन थ्री है तो वन कैंसिल होकर यहाँ वन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ थ्री अपॉन थ्री है तो कैंसिल होकर वन माइनस में टू बी। अब देखिए यहाँ क्या है कि वन अपॉन थ्री माइनस वन है, एलसीएम लेने पे हमारा थ्री आ जाएगा और थ्री का गुणा उस ऊपर हो जाएगा तो वन माइनस थ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, वन माइनस टू, क्योंकि यहाँ वन बचेगा और माइनस में टू इंटू सी है, प्लस में सी है, तो यहाँ देखो वन अपॉन थ्री माइनस वन, वन अपॉन थ्री माइनस वन, अगर उसका एलसीएम लेते तो वन माइनस थ्री अपॉन में थ्री हो जाता है, कितना हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, देखो बचेगा क्या, बी वाला फंक्शन,
यहाँ पे कितना -2/3, -2/3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ प्लस होने के बाद देखो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि और सी भी जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा 1 - 1 जीरो है, ओके ये भी जीरो हो जाएगा सी। तो देखिए अगर हमारा यहाँ से निकाला जाए बी की वैल्यू, तो वो निकल कर आएगा 1/6, ओके आप हल कर लेना, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया है, तो यहाँ पे बी अगर हल निकाला जाए तो बी इक्वल टू 1/6 आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है कि हमारा ए निकला है, बी निकला है, अब निकालना है हमें सी। अब कुछ भी रखने पर हमारा जीरो नहीं होगा, तो क्या करते हैं, हमारा दो वैल्यू निकला है, तीसरा वैल्यू निकालना है, तो एक्स इक्वल टू जीरो रख देना तुरंत आपको, तो एक्स इक्वल टू जीरो रख देते हैं। देखिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ एक्स था वहाँ जीरो, यहाँ एक्स था वहाँ जीरो, यहाँ था यहाँ और यहाँ, यहाँ जीरो कर दिया। अब इसको हल करते हैं, देखिए तो यहाँ पे 3 0 हो गया, -1 बचा, यहाँ पे -2 बचा, तो -1 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना बचा -1, यहाँ -2, तो इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी हो जाएगा, यहाँ कितना बचा -1 और -1, तो मल्टीप्लाई करने पर +1 हो जाएगा और सी। ओके अब देखिए ए की वैल्यू हमें मालूम है 1/2, और बी का वैल्यू मालूम है 1/6, ओके प्लस में सी हो जाएगा। अगर यहाँ से अब हम इसको देखा जाए तो 2/2 तो 1 हो गया, यहाँ हो जाएगा 6, तो 6 से 2 से काटेंगे 1/3 प्लस में सी। और इसको हल करने पे अगर हमारे सी की वैल्यू निकालें तो -4/3 निकल के आ जाएगा। ओके अब देखो ए बी सी की वैल्यू निकाला है, फिर क्या करते हैं हम इसमें पुट कर देना है। देखिए पुट करते हैं यहाँ पे समाकलन a/(x-a) प्लस b/(3x-a)(1) और c/(3x-2dx)। ओके ए का वैल्यू 1/2, बी का वैल्यू 1/6 और सी का वैल्यू -4/3 इतना है। ओके 1/2 बाहर, और देखिए यहाँ पे 1/(x-1) हो जाएगा, तो ये log x-1, फिर 1/6 बाहर ही है, फिर यहाँ पे कितना 3x-1 है, log 3x-1 हो जाएगा। यहाँ एक्स ना होके कुछ और दिया है तो उसका नीचे अवकलन होता है, एक्चुअली होता तो इसका भी है, लेकिन यहाँ पे अवकलन क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा अवकलन, तो इसलिए इसको करते नहीं है, इंडिविजुअली देख उसे कर लेते हैं, लेकिन इसको हमें विजुअल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 × x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा नीचे। अब हो जाएगा इसका भी -4/3 बाहर, हो जाएगा log 3x-2, अब इसका भी कर देना है अवकलन, नीचे हो जाएगा 3। तो देखिए आंसर जो निकल के आएगा हमारा 1/2 log x-1 प्लस 1/18, क्योंकि हमारा 3 बचा, 6 × 3 = 18, log 3x-1 माइनस में यहाँ पे कितना 3 है, 3 × 3 = 9, 4/9 log 3x-2 प्लस में सी, ये हो जाएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन काफ़ी लंबा था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मैं लगाऊंगा नहीं, सिर्फ हिंट दूंगा इसमें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, बहुत सरल है ये, इसलिए मैं लगाया नहीं उसको, क्योंकि आप इसको लगा लेंगे। देखिए x^(x-3)×(x-5) इतना दिया हुआ है, तो क्या करना है, सिंपली आपको इसको मान लेना है, इसे मान लेने के बाद हमारा हल हो जाएगा, ये कट जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारा इतना आ जाएगा, इतना होने के बाद हमें एक बार x = 5 रख देना और एक बार x = 3 रख देना, तो हमारा जब 5 रखेंगे तो बी का वैल्यू निकल गया, और फिर जब 3 रखेंगे तो हमारा ए का वैल्यू निकल गया, उसके बाद हम पुट करके इसका समाकलन कर देंगे, तो आएगा log x-3 और log x-5, अंक भी आएगा उसके आगे पीछे जो ए बी का मान होगा, तो आपको इसको लगा लेना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है पाँचवा, sin x/(cos²)(x-5)(cos x+c) इतना दिया हुआ। तो हमें साइन एक्स ऊपर है और नीचे कॉस है, तो हम जानते हैं कॉस एक्स का अवकलन हम साइन एक्स आ जाएगा, तो इसको टी मान लेते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो -sin x × x dx हो जाएगा, = dt हो जाएगा, यहाँ dx का वैल्यू निकालेंगे तो -dt/sin x हो जाएगा। ओके अब देखिए क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो मान है उसको वैल्यू रखते हैं, यहाँ साइन एक्स, यहाँ पे टी, कॉस स्क्वायर था, यहाँ पे टी हो जाएगा, तो -5 cos था, तो यहाँ पे cos = t था, तो यहाँ टी हो जाएगा, प्लस में 4, यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू कितना निकाल गया, -dx/dt/sin t, सॉरी साइन एक्स है, -dt/sin x। ओके अब देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, यहाँ था माइनस तो माइनस बाहर है हमारा, अब क्या हमारा नीचे इतना निकल गया है, इसका कर लेते हैं हम गुणनखंड, गुणनखंड करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा कि नीचे अंदर 5 है, ये 4 है, इसको करते हैं -4 और माइनस में टी, -4t और माइनस में टी प्लस में 4। ओके तो हमारा -1 अभी भी बाहर है, यहाँ देखिए क्या कि टी कॉमन लेते हैं तो t-4, यहाँ -1 कॉमन लेते हैं t-4, अगर गुणनखंड करने के बाद हमारा निकल के आएगा सिंपली t-4 × t-1। ओके तो यहाँ देखो आपको जो बजाएगा वो -1 बजाएगा, तो माइनस जो पहले है उसको क्या करना है कि आपको बड़े ब्रैकेट में ले लेना है, अंदर सब हल कर लेना, हल करने के बाद जब आंसर आ जाएगा तो -7 मल्टीप्लाई कर देना है,
तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सिंपली इतना निकल का है, आपको मान लेना है क्या ए अपान में टी माइनस में 4 और बी अपान में टी माइनस में 1। ओके बस इतना मान लेना, उसके बाद आंसर ला देंगे आप सिंपली। तो दोस्तों बस आपसे ही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना जरूर और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।